हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी गाइज? सॉरी, व्लॉग आने में टाइम लग गया क्योंकि इस साइड बारिश हो रही थी तो अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रहे थे, और अब से कंटिन्यू व्लॉग आएंगे। क्या कर रही हूँ? मेरे लिए बनाया है क्या? सबके लिए? लो मुझे जूस डाल दो फिर मुझे भी। गिलास इसमें क्या? देखो मम्मी, मुझे डेली इसको क्या बोलते हैं, मैं गिलास तो बोलते नहीं है, स्टील का डब्बा, स्टील के डब्बे में डालते हैं डेली, इतना जूस पीता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या जूस पे जोर दे रखा है? डेली जूस पीते हैं अभी। और आज खाने में क्या बनाओगे? बर्थडे क्या? तो क्या कुछ स्पेशल डिश तो होगी ना? सोच के बताओगे क्या? पनीर की सब्जी और मिठाई भी। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? ब्रेकफास्ट हो गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, अभी करूंगी थोड़ी देर बाद में। उसके बाद में सोचती हूँ क्या करूँ, फिर दोपहर का खाना भी हो जाए, बनाना दीदी का बर्थडे है ना। अच्छा, तो क्या बनाओगे खाने में? पता नहीं, वो तो अभी सोचा नहीं है। दिखाना, खड़ी होकर दिखाओ कितनी मोटी हो गई तुम। मोटी हो गई पहले से? ऐसे सब लोग पूछ भी रहे थे हमारे, क्या हुआ क्या हुआ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कभी भी हो सकता है, कल परसों आज अभी भी। तो गाइज, अभी एक्चुअली क्या हुआ कि डॉक्टर ने भी टाइम दे दिया है कि अब बच्चा कभी भी हो सकता है, यानी कि 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं। 9 महीने से चार दिन ऊपर चले गए हैं, तो अभी बच्चा कभी भी हो सकता है, बस वेट ही कर रहे हैं। और ये बताओ कि आपको डिलीवरी का व्लॉग चाहिए नहीं चाहिए? जो सारे व्लॉग चाहिए नहीं चाहिए, डिलीवरी व्लॉग जितने भी हैं चाहिए नहीं चाहिए? जो भी फंक्शन होगा हम उसका भी व्लॉग डालेंगे। हर फंक्शन का भी व्लॉग आएगा, सारा आएगा। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करके बताना। और क्या है गाइज, अभी बस ऐसे 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 रहता है कि बस जल्दी से बेबी आ जाए, जल्दी से बेबी आ जाए, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है। चार दिन, कितने दिन ऊपर गए? चार दिन ऊपर जाते हैं, दसवां मंथ स्टार्ट हो चुका है। 9 महीने 4 दिन हो गए, और अभी डिलीवरी का टाइम है 9 तारीख। डॉक्टर ने 9 तारीख, 4-5 दिन और बाकी है। पर मुझे तो लगता है कि डेली ऐसे लगता है आज हो जाएगा। ऐसे रात को सोचते कि सुबह होगा, और सुबह सोचते कि रात को होगा, रात भी निकल जाती है और सुबह भी। और इसकी वजह से हम कहीं जा ही नहीं पा रहे शूट पे, ऐसे रहता है कि बीच में कॉल आ गया तो वापस आना पड़ेगा, घर पे तुरंत आना पड़ेगा भाग कर, तो इसलिए जा ही नहीं पा रहे काम पे शूट पर। अब देखते हैं कब होता है। मुझे तो आज और अब भी लग रहा है कि अभी हो जाएगा, इस व्लॉग के बीच में हो जाएगा, ये रहता है। आज कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है, चटपटा सा। क्या चटपटा सा? यानी कि पिज्जा, बर्गर, जो भी। तो फल फ्रूट खाओ ना। तो फिर तो खाऊंगी नहीं, तो अभी ला के दे दो बेबी के लिए, अच्छा रहेगा। आज हो जाए तो फिर खाना ही बनता ना ये सब। अच्छा, क्या खाओगी? पिज्जा लेंगे। अच्छा, पिज्जा खाओगी क्या? तो गाइस, थोड़ा खा लूंगी, पूरा तो नहीं खाऊंगी पर। ठीक है, तो गाइस ऐसे करते हैं कि अपन लेके आते हैं सोनम के लिए पिज्जा लेके आएंगे। और तब तक मैं थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि मुझे हेयर कट भी करवाना है, बाल देखो। ठीक है, तो हेयर कट करवाना है, और उससे पहले मैं जिम जाऊँगा, जिम जाने के बाद हेयर कट करवाऊंगा, फिर उसके बाद पिज्जा लेके आता हूँ। जिम जा रहा हूँ मैं ना, वो कुछ लेके आऊँ क्या? क्या लेके आऊँ? सब्जी ले आऊँ तो। सब्जी कौन सी? भिंडी ले आई। भिंडी नहीं, भिंडी मुझे अच्छी नहीं लगती। भिंडी डेली भिंडी बनती है। बनेंगे तो नाम करेला ले, करेला ले, टमाटर ले। तो सारी दुकानें ले आऊं सब्जी? हां, पाव पाव है सब्जी ले आऊं। सारी दुकान ले, इतनी सब्जी खाएगा कौन? खाओगा भाई? हां खाओ। अच्छा, अरे मिर्च टमाटर दी पता थी मिर्च तो। मैं पिज्जा लेके आ रहा हूं, पिज्जा खा है ना, पिज्जा लेने जा रहा हूँ मैं तो अभी।
ठीक आ तो ले आता हूँ हाँ तो गाइज मैंने कटिंग करवा ली है और अभी चलते हैं पिज्जा लेने, फिर जाएंगे घर पर। कटिंग पहले गए जिम, जिम के बाद कटिंग। तो गाइज पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, 15-20 मिनट लगेंगे। और देखो गाइज आंखें देखो कैसे रेड हो चुकी है, वहाँ तो पार्लर में पता नहीं क्या लगाया था, फेस वॉश किया था तो उसकी वजह से आंखें रेड हो चुकी दिखाई दे रही होगी आपको। तो यहाँ से पिज्जा लेंगे फिर उसके बाद चलेंगे घर। तो गाइज पिज्जा लेके आ गया हूँ, पहले से वेट कर रहे थे क्या पिज्जा का? हाँ हाँ मैं पहले से वेट कर रहे थे क्या कि आते पिज्जा खाएंगे? है लो पिज्जा में अपन करा से गिर गए ये तो खा लो खा लो। अलग अलग है सही क्या? सही में बता दो हैं? अच्छा नहीं लगा? दोनों अलग अलग वो खा के देखो, ये वाला दो ये वाला दे। ये कैसा तो वो खा लो ना, कैसा लगा? टेस्टी था, टेस्टी था एकदम, मजा आ गया खा के। अच्छा अब दोबारा कब बोलोगी? नहीं अभी तो नहीं खाऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं रहता ज्यादा खाना भी। अच्छा और खुश तो ना खा के। आज का व्लॉग इसलिए था कि ये बताना था कि सोनम का प्रेगनेंसी टाइम 9 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और ऊपर 4 दिन जा चुके हैं, तो बेबी कभी भी हो सकता है। और हाँ यानी कि अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, बस वेट कर रहे हैं लेबर पेन का, लेबर पेन स्टार्ट हो फिर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाए, फिर बेबी को देखे कैसा है कैसा नहीं है, बहुत खुशी होगी। और जैसे ही बेबी आएगा आपको भी दिखाएंगे और सारे व्लॉग बनाएंगे हम डिलीवरी व्लॉग से रिलेटेड। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप गौर से प्रे करो कि बेबी अच्छा हो, स्वस्थ हो एंड सब कुछ अच्छा हो। ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।